सो फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सारे सीनियर वैष्णव वैष्णवियों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूं कि आज के श्लोक के ऊपर कुछ मैं बोल पाऊं। तो प्लीज आशीर्वाद प्रदान करें सारे सीनियर वैष्णवों से। सो ये आज का जो श्लोक है ये चैप्टर है भगवान के साम्राज्य का वर्णन, किंगडम ऑफ गॉड। भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है 15.6, न तद भासते सूर्यो नशाशांको पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। और एक श्लोक आता है 15.6 और एक है 8.20, परस्त मास्तु भावो। एक ये भी एक श्लोक है। ये दो श्लोक है जो भगवत गीता में भगवान के परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, ग्लिम्स दे रहे हैं। ये भगवान का जो धाम है उसके बारे में कुछ अंश में बताते हैं, भगवत गीता में हिंट दिए गए हैं। और ये कह सकते हैं कि हम ओवरव्यू है भगवत गीता में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ श्लोक दिए गए हैं, लेकिन भागवतम ये वाला जो चैप्टर है उसका डिटेल वर्जन। तो इस चैप्टर को हम कहते हैं भगवान साम्राज्य बता रहे हैं। तो भगवत गीता में हम संक्षेप में समझते हैं इसको, एक दो श्लोक में, दो ही श्लोक है ये, लेकिन भागवतम में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसका डिटेल में वर्णन। ये भागवतम भगवान के धाम का डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भागवतम और भगवत गीता में कभी कभी हम देखें तो भागवतम में हमारे पास 18,000 श्लोक, ऑलमोस्ट मोर देन 18,000 वर्सेस, और उसके साथ साथ हमारे पास इतने सारे बुक्स हैं उसपे। लेकिन भगवत गीता एक बुक है और 700 ही श्लोक है। तो उस में सभी का वर्णन नहीं है, लेकिन मेन मेन ग्लिम्स हमें सभी ज्ञान का मिलता है। तो भगवद गीता बताती हमें कर्म योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी बता रहे हैं उसमें। तो ये जो श्लोक्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में क्या मेंशन करते हैं कि वहां पे सूरज नहीं है। जैसे हमने 15.6 श्लोक में क्या कहते हैं कि वहां पे सूर्य नहीं है, न तद भासते सूर्यो, और कि इस संसार में यहाँ पे जो हमारे पास सूर्य जो ऐसे काम कर रहा है वैसे सूरज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम नहीं करता, वैसे काम नहीं करता। ब्रह्म संहिता में भी इसका विवरण हुआ है जिसके अंदर ब्रह्मा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उससे ही पूरा जो धाम है वो प्रकाशमय हो जाता है। और एक हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस संसार में हम देखेंगे सूर्य का उदाहरण लिया जो पूरा विपरीत कार्य कर रहा है, और एक टाइम फैक्टर भी है। टाइम यहां पे टाइम सबको कंट्रोल करता है, टाइम की वजह से सूर्य उग रहा है, सनराइज हो रहा है और सनसेट भी हो रहा है। आई रिक्वेस्ट टू म्यूट एवरीवन। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूट सब करिए, आई रिक्वेस्ट एडमिन। एडमिन कैन बी रिमूव महेश गांवकर। नो नो लेट हिम बी। आई थिंक आई गिव Lakshmi Priya co-host or somebody from there can win. Otherwise, I'll monitor it. You just give access to Divyesh. Divyesh is there. Divyesh, can you take the co-host? Yes. Sorry, Prabhuji.
Yeah, that's fine. That's fine. Yeah, Divyesh, please you be your co-host and please monitor. Hare Krishna, Divyesh. Yeah, no problem. Hare Krishna. तो हम समय के बारे में चर्चा करें. सूर्य के पूरा विपरीत काम करता है. यहाँ सूर्य हमारे पृथ्वी पे जैसे सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन भगवान के धाम में सूर्य जो है वो सूर्य एक अलग प्रकार की पर्सनैलिटी और अलग प्रकार का कार्य करता है. भगवान के शरीर के कांति से ही पूरा कह सकते हैं पूरा धाम पूरा तेजमय हो जाता है. एक दूसरा है काल, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे. तो भगवत गीता में काल के बारे में भी कहा गया है, कालो अस्मि. भगवान कहते हैं मैं काल हूं और काल के रूप में आके मैं सबका हरण कर लेता हूं. काल के रूप में आके मैं सबके मृत्यु का भी कारण हूं और मैं सबको हरण कर लेता हूं. आई एम अ डिस्ट्रक्टिव टाइम भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव. यहां पे सुनिए इसको ठीक से. यहां पे भौतिक जगत में हर एक वस्तु को टाइम डिस्ट्रॉय करता है. यहां पे टाइम है ना मास्टर है भौतिक जगत में. एग्जाम्पल दू देखो, फिर लोग आप लोग कहोगे बहुत सारे माता जी, फिर आप लोग कहोगे प्रभु जी हमारे पास फ्रिज है. देखो एक फ्रूट रखा होता है, उसको बाहर रखो थोड़ा समय और एक दिन दो दिन रखो, तो काल के प्रभाव से वो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है. भगवान को की जब हम सेवा करते हैं तो हम सुबह सुबह फ्रेश फूल मार्केट से लाते हैं, कोई कोई फ्रेश फूल अपने गार्डन से तोड़ के भगवान के लिए हार बनाता है, भगवान को ऑफर करता है. लेकिन ये काल का ऊपर कंट्रोल है, वो फूल के ऊपर काल कंट्रोल करता है फूल को. और हम जब शाम को दर्शन लेते हैं तब वो फूल का चेहरा ऐसा गिर जाता है, ऐसा गिर गया रहता है चेहरा. हाँ, खास करके चंपा फूल में हम देखते हैं. हाँ, चंपा फूल हम तोड़ते के लेके आते हैं, वो दोपहर को 2-3 बजे तक, मैंने तो देखा है मेरे घर पे डीटीज में, 2-3 बजे तक बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं. बाद में थक जाते हैं हम भक्त, तो जन्माष्टमी में कैसे सेवा करते हैं. हाँ, सेवा करने में सुबह सुबह फास्टिंग किया होता है तो 9, 10, 11, 12 बजे तक बहुत एकदम एनर्जी होती है, अच्छे से सेवा करते हैं. अभी रामनवमी फेस्टिवल जाएगा तो रामनवमी फेस्टिवल में तो बहुत अच्छा है क्योंकि 12 बजे उपवास का ब्रेक हो जाता है. लेकिन फिर हम मुरझा जाते हैं सेवा करते समय. कुछ समय के बाद 12, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, फिर हम देखते हैं घड़ी में कभी रात को 12 बजे, कभी फास्ट ब्रेक. तो एक काल हमारे ऊपर कंट्रोल कर यहाँ पे. तो अगर हम देखें कि ये फ्लावर जैसे मुरझा रहे हैं, फ्रूट खराब हो रहा है, तो ये काल उसके ऊपर प्रभाव करता है. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में है. तो यहां पे टाइम क्या कैसे काम कर रहा है, एज ए डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है. उसी के साथ प्रभुपाद फंडामेंटल एग्जाम्पल देते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. हम कौन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. तो हमारा शरीर भी है ना, वो भी क्षीण हो रहा है काल के प्रभाव में आके. हमारा शरीर भी खत्म हो रहा है. भगवद गीता भी एक्सप्लेन क्या करती है, देहनी देहो नस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतरम प्राप्ति तत्र न मुह्यते. ये शरीर भी जो है ना वो क्षीण हो रहा है. प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर शरीर से डिटैचमेंट नहीं है, शरीर से अटैचमेंट है हमारा. तो हम युवा अवस्था में हैं तो हम शरीर को भोगना चाहते हैं. लेकिन जब ओल्ड हो जाएंगे, जब हम शरीर हमारा क्षीण हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, तब इस शरीर को भोगना चाहेंगे नहीं, शरीर में शक्ति नहीं होगी. तो हम यहां देखते हैं कि हम ये शरीर से प्रेम करते हैं, हम हमारे आत्मा से प्रेम नहीं करते. और
काल के प्रभाव से शनि शरीर क्षीण हो रहा है। तो ये जो समय है ना, ये हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि समय जो है के अधीन हम कार्य करते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय जो है वो भगवान के अधीन काम करता है। यहाँ पे हम समय के अधीन काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय भगवान के अधीन काम करता है, पूरा विपरीत है। तो ये जो चैप्टर है ये इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, विदुर जी के प्रश्न का विवरण दे रहे हैं मैत्रेय मुनि, के ये धाम में चतुष कुमार गए हैं। आप सभी लोगों कथा सुन ही रहे हैं कि वैकुंठ द्वार में अभी उनको मिलने वाली है, हाँ, सजा, उनको श्राप मिलेगा। तो ये धाम 6 प्रकार के द्वार से पास हो जाएंगे, और 7th, हाँ, उसके भी ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है कि 7 द्वार क्या है, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक एक द्वार पार करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम धाम में लौटे, बार बार मेरा ये आज का ही प्रश्न है, वैकुंठ जगत कौन कौन जाना चाहता है और गोलोक वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन जाना चाहता है, आज का प्रश्न है। पूछिएगा मुझे और उसका आंसर भी अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कि क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, हम जो प्रोसेस में भक्ति कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। तो ये भौतिक साम्राज्य और आध्यात्मिक साम्राज्य का ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इस श्लोक में पशु पक्षी भी जो भगवान की चेतनाओं में प्रवृत्त रहते हैं और वो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि वो अपनी कला से कैसे भगवान की सेवा कर सके, अपने इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सके, उनकी सेवा में कैसे नियुक्त किया जाए। वो सभी एक ही कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि भगवान के गुण रूप लीला माधुरी का गुणगान किया जाए, लेकिन भौतिक संसार में क्या हो रहा है, हर एक जीव अपनी प्रसन्नता और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा सचेत रहता है, निरंतर कार्य करते रहता है, उसको भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टता के लिए उसको अंश मात्र भी उसको कोई परवाह नहीं होती है। अभी एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था, वो भक्त कह रहे थे मुझे, मैंने कहा ऐसे ही हमारे ग्रुप में कि प्रभु जी वो दिख नहीं रहे, तो वो कह रहे हैं कि प्रभु जी वो कुछ बाहर गए हैं, तीर्थ स्थानी है लेकिन अपनी फैमिली के साथ गए हैं। तो मैंने उनको बताया कि तीर्थ में जाते हैं, अगर कोई धाम में जाते हैं और भक्तों के साथ नहीं जाते तो वो पिकनिक है, वो क्या है, पिकनिक है, क्योंकि परिवार वालों के साथ जाएंगे आप तो क्या करेंगे, गाड़ी में ड्राइव करेंगे, एक अच्छी सी होटल देखेंगे, वहां पे खाएंगे, हाँ, कोई ऑफर क्या नहीं होगा, कोई कोई शुद्धता का नहीं होगा, ना कोई कथा प्रवचन होगा, हाँ, और कह रहे हम तीर्थ में जा रहे हैं, ऐसा तीर्थ में जाके क्या, इससे जब पिकनिक कर लेते कहीं, हाँ, घूम के आ जाते, क्योंकि यात्रा में जाना तो भक्तों के साथ ही एसोसिएशन में ही जाना चाहिए, प्रभुपाद हमेशा कहते। आप लोग का भी किसी किसी का एक्सपीरियंस होगा कि अगर यात्रा में हम जाते हैं और एसोसिएशन में जाते हैं और कभी अकेले भी जाते हैं, समझिए कोई अकेले में आता है, आपको क्या पसंद आता है, चैट में लिख के लिखिए, भेज सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब क्या श्रेयस है, देखो दो वस्तुएं होती है, श्रेयस और प्रेयस, आप सभी को पता है, प्रेयस वस्तु ये होती है, प्रेयस क्रिया ये होती है, क्या होता है, प्रेयस वस्तु ये होती है जो हमें अच्छी लगती है करने की, जैसे रचे पचे रहे भौतिक जगत में, परिवार वालों के साथ रहें, भौतिक जगत के कार्य करें जो हमें अच्छे लगते हैं करने। लेकिन श्रेयस क्या होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, जैसे वीडियो गेम खेलना बच्चे के लिए, वो प्रेयस है, वो श्रेयस नहीं है, वो खेलेगा उसको पसंद है लेकिन
वो प्रेयस है, उसको पसंद है, लेकिन उसके लिए वो ठीक नहीं है। श्रेयस वस्तु क्या है? कि वो पढ़ाई करे ठीक से, हाँ पढ़ाई करे ठीक से और पढ़ाई में ध्यान दे, वो उसके लिए श्रेयस, लेकिन उसको नहीं पता। वैसे हमारे जीवन में भी हमें नहीं पता क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस, लेकिन हमें प्रेयस क्या लगता है, इस भौतिक जगत में हम बंधे रहे क्योंकि सब देख रहे हैं ना। देखो मेजोरिटी हमेशा फॉलो करना चाहिए, करेक्ट, लेकिन आप लोग देखो माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी में है फिर भी फॉलो कर रहे हैं। एबनॉर्मल, पूरी दुनिया रची पची है हाँ, और उसको फॉलो हम नहीं कर रहे। पूरी दुनिया इस भौतिक जगत में कार्य करने के लिए रची पची है और वो प्रेयस कार्य करने के लिए, और करते हैं, करिए सब लोग करिए, लेकिन हम श्रेयस, हमें पता चल गया है, प्रभुपाद के ने हमें बताया गया है। किसी को आज मटेरियल वर्ल्ड में आप किसी को जाके पूछिए, आप लोग तो सब ज्ञानी है, सब लोग ज्ञाता है, तो प्रेयस और श्रेयस का मतलब तो आपको पता है। आप आज आज किसी को आज आ ना, एक कोई भी परिवार वालों को फोन करिए और पूछिए, तुझे पता है श्रेयस कर्म क्या होते हैं और प्रेयस कर्म क्या होते हैं? वो बोलता है क्या होगा, पूछेगा वो, फिर आप डिस्क्राइब करिए उसको कि श्रेयस हमारे लिए क्या वस्तु है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अगर जुकाम हो गया है तो आइसक्रीम खाना क्या है, श्रेयस नहीं है ना, वो प्रेयस है, हमें अच्छा लगता है खाना लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है, करेक्ट। वैसे ही हमें ये जानना चाहिए, हमें ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत एक सुंदर उदाहरण दे रहा है, आप इसको देखिए, जितने भी पक्षियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, आप लोग भागवतम में खोल के देख सकते हैं कि मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा कि जब भौरा, भौरे का कभी किसी ने गायन सुना है, उसका आवाज सुना है, कोई भौरे का आवाज कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए, सारे कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर, ये सारे सारे अच्छे से उनकी आवाज करने वाले पक्षी है ये, और ये सभी लोग बहुत अच्छे से गायन करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये सारे गुणगान करना बंद कर दिए। लेकिन वो भौरे के लिए ये कुछ समझ में नहीं आया, प्रभु जी ये सारे इतने अच्छे से गा रहे हैं, इतने अच्छे गाने वाले हैं, और एक भौरे, भौरे का आवाज क्या होता है पता है आपको? अपने कान के बाजू से जाता है ना, तो उसके जो पर होते हैं उसके हवा का आवाज आता है, बस उतना ही आता है। और यहाँ पे देखिए कि वो जब गुनगुना रहे, वो क्या गुनगुनाएगा, और वो जब भगवान का नाम ले रहा है तो सारे सारे रथी महारथी, जो कह सकते हैं कि हमारे इधर आज के भौतिक जगत के बड़े बड़े सिंगर, हाँ वो चुप हो जाते हैं। हाँ ये समझना है, इसमें भाव प्रभुपाद तात्पर्य में कितना सुंदर लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में है ना, सारे एक समान है, सारे एक समान है, कोई उच्च कोई नीचे, सारे भगवान के सेवक, एकल पुरुष भगवान श्री कृष्ण, एकल कृष्ण, वो अकेले भगवान है और सारे सर्वंट है, और सर्वंटों में भी कोई ग्रेडेशन नहीं है, सारे अपने नियमित भाव से सेवा कर रहे हैं भगवान की। कोई वहां पे, यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक जगत में, कोई जप कर रहा है, कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है, कोई अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, हाँ? तो भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार की भी सेवाएं हैं। ये भवरा जो है वो गा नहीं सकता, लेकिन वो भगवान का गुणगान करने बैठ गए तो सीनियर लोग जो गाने वाले अच्छे हैं वो भी चुपचाप गाना बंद कर दिए, अपनी वाणी से जो भगवान का गुणगान थे वो बंद कर दिए और वहां पे बैठ गए सुनने के लिए। शांत होके भौरे का प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। तो इसी तरह हाँ, सारे पशु पक्षी भगवान के गुणगान कर रहे हैं तो अपने आप की आवाज को धीमा कर लिए। ये बहुत अच्छा है ना, देखो यहाँ पे गुणगान हो रहा है, कुछ कोशिश कर रहा हूँ, हाँ तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूट रखना चाहिए अपने आप को
इसी के साथ रिलेटेड है, अपने आप को म्यूट रखना चाहिए। हाँ, भक्त बोले तो अच्छा है, लेकिन डिस्टरबेंस का आवाज नहीं आना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस आवाज आए तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बर्तनों का आवाज, हाँ, कोई दूसरा आवाज आए तो नहीं चलेगा ना, डिस्टर्ब होगा ना, सभी को डिस्टर्ब होगा। तो हमें ये प्रभुपाद जी अच्छे से लिख रहे हैं तात्पर्य हमें, कि भौतिक जगत में गधा, ये भौतिक जगत का गधा है, कैसे आवाज करता है, अच्छा लगता है आपको सबको? भौतिक गधा, जो भौतिक जगत का गधा है वो अगर आवाज करे तो बहुत विचित्र आवाज है उसका, हाँ? लेकिन वो भी आध्यात्मिक जगत में, वो भी भगवान के गुणगान में सेवा करते रहता है। सो यहां पे बहुत ही सुंदर एक हमें ज्ञान मिल रहा है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहां इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां भक्ति के सिद्धांत बहुत ही प्रमुख है, भौतिक के सिद्धांत वहां प्रमुख है। आप लोग ने देखा होगा कि अगर भक्तों के एसोसिएशन में अगर हम रहते हैं तो 16 माला श्रवण कीर्तन बहुत इजीली हो जाता होगा, होता है, एक्सपीरियंस है ऐसा, करेक्ट है ना, कि भक्तों के संग में हम रहेंगे, यात्रा में रहेंगे, उसके लिए 16 माला करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, भागवतम सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रसाद टाइम पे खाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सब हो जाता है। तो वैसे ही भाव में क्या है, सारे भक्त लोग हैं, करेंगे क्या, चर्चा करने बैठेंगे, ग्राम्य चर्चा करने बैठेंगे तो दूसरा हमें क्या करेगा, रोक लेगा, नहीं ग्राम्य चर्चा नहीं करनी है। तो भक्तों के संग में यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सारे भक्त हैं, इंद्रिय तृप्ति होगी क्या, इसलिए भक्तों का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैकुंठ लोग में मोर, चक्रवर्ती, कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भोरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। तो प्रमुख सिद्धांत श्रवण और कीर्तन है आध्यात्मिक जगत में प्रमुख है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने हमें श्रवण और कीर्तन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक श्रवण करता है, भगवान के गुण रूप लीला माधुरी के बारे में सुनता है, और सुनने वाला पूरा ध्यान से सुना, तो उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। जब हमारे हृदय में भगवान की वाणी जाती है तो हमारे आंखों का प्रेमांजन चक्षु, जो हमारे आंजन प्रेम के, हमारे जो चक्षु है उसमें प्रेम का अंजन हो जाता है। हमारा जो आध्यात्मिक अंधकार हमारे सामने जो फैल रहा है, अच्छे से अटेंटिवली हियरिंग करने से, नित्यम भागवत सेविया करने से हमारा प्रेमांजन हो जाता है। प्रेमांजन हो जाना मतलब भगवान के प्रति प्रेम उद्भव होता है। पूरा जगत में जो भी हम देखते हैं वो सारा आध्यात्मिक वस्तु देखते हैं, जैसे वो सबको हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जड़ जगत में कोई भी वस्तु हम देखें तो क्या होगा, हम भगवान की शक्ति तुरंत हमें याद आ जाए। अगर हम बाहर हम देखें विंडो ओपन करके तो हमें प्रकाश दिखेगा तो आप कहेंगे वाह भगवान ने कितना बड़ा हेलोजन बल्ब लगाया, ये भगवान के नियता में कार्य कर रहा है। हम सांस ले रहे हैं तो ये देखिए भगवान ने हमें ऑक्सीजन दिया है। और कितना भी आप घर में सील कर लो, पैक कर लो, पर्दे लगा लो, डोर लॉक कर लो, फिर भी वो हवा आपको मिलेगी, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है, ये सोचने की शक्ति मिलती है हमें। तो मनुष्य जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, हाँ, भक्ति के नियम क्या है, ये सभी विषय वस्तुओं को हमें सुनना चाहिए बार बार। और वैकुंठ लोक में श्रवण कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाले भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। लास्ट लाइन में प्रभुपाद देखिए क्या लिखते हैं,
श्रवण करने के भक्ति के नियम जो है, भक्ति के करने के जो सारी विधि विधियां है वो प्रमुख है वहां पे। ये हमें बता रहे हैं मैत्र मुनि विदिर को, कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वैकुंठ जगत का कि हमें कैसे भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमारे हृदय में विकार है वो कैसे कैसे उसकी छुटकारा पा सके, तो वो एक ही एक प्रोसेस है, वो है श्रवण और कीर्तन। तो इस श्रवण और कीर्तन से हम क्या कर सकते हैं, हम इस श्रवण और कीर्तन से हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान के लीलाओं का गुणगान कर पाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक जीव में परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है और सारे भगवान के सेवक हैं। समान दृष्टि समान भाव से भी हम देखेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रवण और कीर्तन तात्पर्य में लिख रहे हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में श्रवण और कीर्तन से क्या हो गया। एग्जाम्पल है, आप सबको याद होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि प्रभुपाद के जीवन में जब पहली बार वो भक्तिदास सरोज ठाकुर को मिले तो छोटी उम्र में मिले थे, यंग एज में, तो उनको निर्देश क्या मिला प्रभुपाद को कि आपका अंग्रेजी भाषा पे अपनी पकड़ है तो एक पाश्चात्य देश में जाओ और प्रचार करो, पुस्तकों प्रकाशित करो। तो प्रभुपाद जी को ये इंस्ट्रक्शन अपने हृदय में वो लेके सर्व प्रकार सब जगह पे घूम रहे थे, इंस्ट्रक्शन को सुन लिया था प्रभुपाद। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के साथ एसोसिएशन लेने के लिए वृंदावन में भी एक बार गए। हम सब देखते हैं, हमने सुना है ये कि सब लोग मंदिरों में दर्शन जाके करते हैं, हाँ यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे सारे दर्शन करेंगे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जब क्लास लेते थे तो उन्होंने शिष्यों को कहा कि सब लोग को कह रहे थे कि प्रवचन सुनिए, हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भगवान को तो देख नहीं पाते ठीक से, वो हमारे पास दिव्य चक्षु है ही नहीं कि हम भगवान को देखें और फिर हमें साक्षात भगवान का दर्शन हो। इसलिए प्रभुपाद ने हमें कहा कि दर्शन आप सुनने से ले सकते हैं। भगवान का दर्शन लेना मतलब सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियरिंग प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सीइंग द डिटीज। लोग घंटा घंटा खड़ा रहते थे। गए हफ्ते में ही हिज ग्रेस देवकीनंद प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि ब्राह्मण पत्नियों का जो चैप्टर अभी जू मंदिर में हमारे चल रहा है उसमें देवकीनंद प्रभु कह रहे थे कि घंटों घंटों मैं देखता हूँ कभी कभी कोई कोई राधा राजगारी के सामने खड़ा है और सीताराम लक्ष्मण के सामने खड़े रहके, कुछ भक्त लोग घंटा खड़ा रहके घंटों घंटों खड़े रहके है ना ये कहते हैं क्या कहते हैं दर्शन लेते रहते। तो वो बता रहे थे कि उससे बेटर क्या है कि भगवान के गुण रूप लीला माधुरी का आप प्रचार करो, उतने ही घंटों बाहर जाके भगवान की सेवा करो तो क्या होगा, आपको दर्शन लेने का सच में बेनिफिट होगा। ये करना, ये दर्शन करना है। अगर कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई भी आश्रम है और वो घर घर जाके प्रचार कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दे रहा है, तो भगवान इससे ज्यादा खुश हो गए। एक बार प्रभुपाद का ऐसे ही उदाहरण है। प्रभुपाद एक बार, आपको पता है वृंदावन में है ना, पीछे से प्रभुपाद का क्वार्टर है और एक पीछे से गेट है, रास्ते से जाना और पीछे से गेट है, मेन डोर है लेकिन भक्त लोग हमेशा रेगुलर डिवोटीज वहीं से आते जाते हैं बैक डोर से। तो वहां से प्रभुपाद की गाड़ी रुकी एम्बेसडर और प्रभुपाद उतरे, तो एक प्रभुपाद डिसाइपल आए और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, प्रभुपाद आपने मेरी लाइफ को बदल दिया, आप नहीं होते तो क्या होता, आज मैं इतना पापी हूं, आपकी शरण ग्रहण करने के बाद मुझे इस देखिए यहाँ पे मेरा इतना जीवन सुधर गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपके ये है आप वो है, पूरे प्रभुपाद के गुणगान कर रहा था। प्रभुपाद के हाथ में एक लकड़ी होती थी, करेक्ट, आपको पता है प्रभुपाद लकड़ी लेके ऐसे,
प्रभुपाद ने क्या कहा बोलो, एक ऐसे मारा, बोलता आई नो दैट एवरीथिंग, नाउ यू गो एंड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस। प्रभुपाद ने कहा नाउ यू गो एंड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस, और मुझे पता है प्रभुपाद के गुणगान कर रहा था, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि यू गो एंड डू प्रैक्टिकल सर्विस। तो सेवा करना इंपॉर्टेंट है। कथा सुननी है तो कथा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति, जो भक्त अपने अपने ज्ञान को बांटना चाहता है तो उसको बांटना चाहिए लोगों में, घर घर में। हाँ, तो यहाँ पे हम कई बार देखे हैं कि प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर का एसोसिएशन लेते थे तो हमेशा वो सुनते थे, लेकिन दूसरे जो उनके गुरु भाई थे, सारे भक्त थे, वो दर्शन लेने चले जाते थे, क्योंकि यात्रा में आए हैं तो दर्शन लो दर्शन लो, ये दर्शन, ये मंदिर के दर्शन, वो मंदिर के दर्शन ले रहे हैं, लेकिन हियरिंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे थे, वो सुनने थे, वो सुनते थे और गुरु का एसोसिएशन लेते, भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर। और एक बार ऐसे हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर क्लास कर रहे थे, प्रभुपाद अकेले बैठे थे, प्रभुपाद अकेले बैठ के श्रवण कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि श्रवण में जब तक रुचि नहीं होगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे भक्त लोग थे, लेकिन आज हम प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था बना दी, वो किससे बनी? क्योंकि सुना, श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद क्या हुआ? सेवा करने की लालसा उत्पन्न हुई, प्रैक्टिकल सेवा। और ये श्रवण भी किससे करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टीवी लगा के बैठ जाएंगे। हाँ, टीवी में तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं। एक बार मुझे भक्त कह रहा था, मैंने कहा माता जी ये करिए वो करिए ये करिए, सब भक्ति के नियम बता रहा था। हाँ हाँ, हमारे, मैं तो सुबह 7 बजे से टीवी लगा देती। मैं बोला टीवी लगा देते हो माता जी? अरे टीवी में इतनी सारी चैनलों में ये भागवतम आती है, वो आती है, वो आती है। मैं आपको आज बता देता हूँ, बुरा लगे तो, लेकिन सुन लीजिएगा। सीनियर वैष्णव कहते हैं मैं मेरा कोई तत्व ज्ञान नहीं देता, मैं जो सुनता हूं वही देता हूं। टीवी में भी अगर हम कुछ एंटरटेनमेंट तो नहीं देखेंगे, वो तो गारंटी है हमारे हाथ नहीं जाएंगे उंगलियां, इतना भरोसा मैं कर सकता हूं सब पे। लेकिन अगर ऐसी चैनल जो भगवान की चैनल है, वो सुनने में भी अगर हम उधर से ऐसे भक्तों से अगर सुन रहे हैं, तो वो भक्त इतना कठोर वाक्य वापर रहे थे, बोल रहे थे ये भी एंटरटेनमेंट में ही आएगा। क्योंकि अगर वो जो बोलने वाला वो प्रामाणिक नहीं है, अगर वो बोलने वाला प्रामाणिक नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं बोल रहा है और आप सुन रहे हो, तो लाभ होगा, क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। तो आई एम सॉरी टू से दिस, ये मैंने सुना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के पास उनके लेक्चर को सुनना चाहिए जो पूरा, ये तो देखा गया है ना, आप भी टीवी में देखते हैं, लाखों करोड़ों लाखों लाखों लोग, हजारों लोग बैठे होते हैं भागवतम में। हाँ, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, और उस पंडाल में जब क्या कहते हैं लेक्चर खत्म हो जाता है, फिर ये हजार लोग क्या जाके करते हैं? हजारों लोग जाके घर पे जाके टीवी देखेंगे, अपने नित्य कार्य में लग जाएंगे, भक्ति के कार्य थोड़ी करते हैं, भक्ति कार्य में नहीं लगते, देखा गया है। तो प्रमाणिक गुरु से सुनना और उनसे इंस्ट्रक्शन लेके अपने जीवन को अनुरूप करना, जीवन को अनुरूप बनाना, ये सबसे बड़ा प्रोसेस है। और इसको कहते हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि में आरंभ होने वाले व्यक्ति को भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख होते हैं। तो ये भक्ति के सिद्धांत हमें हमारे जीवन में हम कह सकते हैं कि इसका पालन करना है। और हम ये देख रहे हैं, ये वर्णन करने का, ये जो ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें पता चले इफ यू वांटेड टू गो एनी डेस्टिनेशन, पिकनिक में जाना है, तो आप पहले होटल बुक करोगे, फिर वहां खाने की अरेंजमेंट करोगे, फिर देखोगे कौन सा साइट सीन है, कौन सा सीन देखने के लिए अच्छा है, कहां हम जाएंगे, करते हैं ना हम लोग, करेक्ट करते हैं। तो अगर हमें पता चले, हमने अगर भागवतम सुना होगा, और अगर ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन हमने देखा होगा कि नहीं, भगवान का गोलोक वृंदावन और वैकुंठ धाम में ये सारे गुण है, और ऐसे वहां भक्तों के संग में रहना है, तो क्या होगा? हमें जानना है, जाने की लालसा उत्पन्न होगी।
होगी ना उत्पन्न। अगर कोई कहे कि वहां पे ऐसा है, अरे अरे चलो चलो जाते, टिकट निकालो हम जाएंगे, तो यहाँ पे वैकुंठ धाम में क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि सारे पक्षी पशु पक्षी सारे कौन है, अलग अलग प्रकार की चेतना में है। यहाँ पे एक बहुत शब्द, बहुत सुंदर शब्द, एक वाक्य आ रहा है, यहाँ तक कि वृक्ष भूमि पौधे फूल पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पे हैं। कृष्ण भावनामृत के स्तर पे हैं। भागवतम अपने यही श्लोक के तात्पर्य में फिफ्थ लाइन में आप पढ़ सकते हैं, फिफ्थ लाइन में मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा, यहाँ तक कि वृक्ष भूमि पौधे फूल पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पे है। कृष्ण भावनामृत के स्तर पे मतलब यहाँ पर बता रहे हैं पांच तरह की कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस है पांच तरह की, हर एक जीव में अलग अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस है। तो जो पौधे हैं उसमें आवृत्ति कवर्ड कॉन्शियसनेस है, आवृत्ति है उसमें, जिसको कवर्ड कॉन्शियसनेस कहते हैं। बाद में जानवरों में जो कॉन्शियसनेस होती है वो होती है संकुचित कॉन्शियसनेस, संकुचित होती है। बाद में मौलिक विकसित और पूर्ण विकसित, ऐसे अलग अलग प्राणियों में अलग अलग, हम भी एक प्राणी है जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, लेकिन हम मनुष्य है तो हमारे में जो हमारी चेतना है वो पूर्ण विकसित है, हमारी पूर्ण विकसित है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण तरीके से जान पाते हैं। और ये यहाँ पे भौतिक जगत की कॉन्शियसनेस है, लेकिन वहां पे आध्यात्मिक जगत में सब लोग चर विचर सारी वस्तुएं। अभी ये देखो यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, करेक्ट, डेस्कटॉप में लेक्चर दे रहा हूं, आपके पास भी कंप्यूटर है, वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस है, उसमें उसमें कॉन्शियस ही नहीं है, वो उसमें कोई भी प्रकार की चेतना नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं भौतिक जगत में सारी वस्तुएं चेतन है, सारी वस्तुएं चेतन है। तो यहाँ भगवान मैत्रेय मुनि का वर्णन करने का यही अभिप्राय है कि हम वैकुंठ जगत का जो गुण है, वैकुंठ जगत के हम जो भी गुण है वहां के, उसको हम ठीक से जान पाए और हमारी चेतना इतनी ऊपर उठे कॉन्शियसनेस के हम वहां जाने का प्रयत्न करें और उस प्रोसेस को फॉलो करें। तो आगे भी श्लोक में बहुत कुछ आएगा और सारे पर्वत फूल और कैसे एक एक वस्तु वैकुंठ जगत की वो भगवान की सेवा करती है उसके बारे में हम भगवान बताएंगे, मैत्रेय मुनि डिस्क्राइब करेंगे। तो बहुत ही अच्छा अध्याय है, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो इसी के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न कमेंट्स टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, फिर प्रभुपाद की जय।